पार्टी के प्रमुख नेतागण, कार्यकर्ता मित्रों, ये यात्रा जो युवा मोर्चा ने आयोजित की, अनुराग जी अभी कह रहे थे कि 12 राज्यों में ये शांतिपूर्ण तरीके से हुई। न जाने किस कारण से कश्मीर के संदर्भ में वहां की सरकार और कुछ अन्य लोग ये प्रचार करते थे कि यात्रा के आने से हिंसा होगी। यात्रियों की ओर से ये यात्रा शांतिपूर्ण रही, और अगर जम्मू कश्मीर में इस यात्रा के संबंध में हिंसा हुई है, वो केवल कश्मीर घाटी में हुई जम्मू कश्मीर सरकार और उनकी पुलिस के द्वारा। रवि जी जिनका नाम ले रहे थे, उनके अतिरिक्त अपने और भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं। शाम को जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया डल लेक के किनारे पर, जो आज केवल गिरफ्तार नहीं है लेकिन बुरी तरह से पकड़ने के बाद उनको घायल किया। The only violence has come from the state police and the state government. शायद यही कारण था कि उमर अब्दुल्ला बार बार हिंसा का एक भय दिखलाने का प्रयास करते थे। इस यात्रा ने एक वैचारिक बहस पुनः आरंभ की है। यात्रा समाप्त हुई है, लेकिन वो वैचारिक बहस जो पिछले 6 दशकों से हम लोगों ने आरंभ की हुई है, कश्मीर के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण क्या हो, देश का दृष्टिकोण क्या हो, वो अब लगभग स्पष्ट है कि इस बहस को कोई रोक नहीं सकता। ये जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि इस यात्रा को राष्ट्रीय ध्वज के साथ लेकर देश में घूमना और कहना कि श्रीनगर में लगाएंगे ध्वज को, इसकी आवश्यकता क्या थी? बाकी 11 राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में राष्ट्रीय ध्वज लगाया लहराया जाए उसका विरोध नहीं कर रहे थे। देश के किसी राज्य का मुख्यमंत्री आज उसका विरोध नहीं करता, चाहे वो साम्यवादियों का राज्य बंगाल था, चाहे बसपा शासित यूपी था, वहां भी शांतिपूर्ण तरीके से हुई, किसी ने विरोध नहीं किया। केवल एक राज्य है जिसके मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कहा कि इस देश के गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय ध्वज हाथ में उठाना, मैं इसको अपराध मानता हूं और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता उठाएगा उसको पकड़ा जाएगा, उसको पीटा जाएगा, उसमें से कई लोग श्रीनगर और दिल्ली में फ्रैक्चर के साथ हैं। इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे ये कल्पना कर लीजिए। पिछले 3 दिन से जो हुआ वो कई बार विचारणीय नहीं, इट्स अनथिंकेबल। इमरजेंसी में अडवाणी जी, इस प्रकार की घटनाएं होती थी कि पुलिस हवाई जहाज में घुस जाए। पुलिस का आदेश जो मेरे पास है उस पर लिखा है कि सुषमा जी को, आनंद जी को और मुझे, हम सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए राज्य से आपको निकाल रहे हैं। हमारे मीडिया के मित्र, विशेष रूप से जो लोग रोज चर्चाओं में इसकी आलोचना भी करते हैं, इसको सोचें। उसके बाद 6 घंटे तक इलीगल डिटेंशन में बिठाई रखना, उसके बाद बिना किसी आदेश के, बिना किसी कानून के, आप राजनीति में वरिष्ठ लोगों को, दोनों हाउसेस के प्रतिपक्ष नेताओं को जबरदस्ती उठा के गाड़ियों में डालकर राज्य की सीमा से बाहर छोड़, कोई कानून प्रावधान इसकी अनुमति नहीं देता। मैंने जम्मू में भी आज कहा, ये पॉलिटिकल ऑब्डक्शन। हम सुनते थे कि कई बार पुलिस अपराधियों के साथ ऐसा करती है, बिना किसी आदेश के। हमारे पास कोई आदेश नहीं है कि हमें जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाकर रात को 12 बजे राज्य की सीमा से बाहर छोड़ आए। यह सौभाग्य था कि वहां कुछ कार्यकर्ताओं को इत्तला हो गई और वो वहां पहुंच गए हमें लेने, नहीं तो सड़क के किनारे होते। कोई कानून अनुमति नहीं देता कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर धारा 144 में
राष्ट्रीय ध्वज फहराना अपराध है। शायद किसी ना किसी न्यायपालिका को इस पे कभी निर्णय करना पड़ सकता है। श्रीनगर के अंदर अपनी जेब में से राष्ट्रीय ध्वज निकालना गणतंत्र दिवस के दिन, वो अपराध है। ये जो घटनाएं हुई हैं ये सारी किस लिए? इसका एकमात्र कारण है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार अलगाववादियों को यह संदेश देना चाहती थी कि एक राष्ट्रवादी यात्रा जो राष्ट्रीय ध्वज लेकर आ रही है, देखो हमने रोक के दिखला दिया। इट वॉज अ साइकोलॉजिकल सरेंडर टू द सेपरेटिस्ट। दिल्ली के अंदर आकर वो भाषण दे, देश तोड़ने के भाषण दे और सेडिशन को फ्री स्पीच कहा जाए, ये वो सरकार है कि हम देश तोड़ने के जो भाषण हुए दिल्ली में उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, वो फ्री स्पीच है, लेकिन गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रीय ध्वज हाथ में पकड़ना उसको अपराध मानते हैं। और मैं इसलिए मानता हूं कि आपकी यात्रा आज समाप्त हुई है, लेकिन ये वैचारिक बहस आज आरंभ हुई है और ये वो बहस है जिसमें देश हमारे साथ खड़ा होगा और चंद गिनती के लोग इस बहस में दूसरी ओर होंगे और इस बहस की चुनौती को भारतीय जनता पार्टी आज स्वीकार करती है। हम राष्ट्रवादी हैं, हम इस देश को बढ़ता हुआ और मजबूत देखना चाहते हैं। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ वन फैमिली, इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड यू विल हैव टू डिसाइड हाउ इट इज टू बी गवर्न। जब कभी इस युग का इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास को एक कठोर निर्णय भी करना पड़ेगा कि कश्मीर को लेकर कौन सा दृष्टिकोण सही था, पंडित नेहरू का या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। और कभी ना कभी इस कठोर विषय के ऊपर इतिहास को निर्णय निश्चित रूप से करना पड़ेगा। राजनीतिक नेतृत्व कैसे बनता है? क्षमता के आधार पर बनता है या वंशवाद के आधार पर बनता है? और जब तक हम क्षमता के आधार पर बना हुआ राजनीतिक नेतृत्व ही केवल स्वीकृत होगा, इस देश के अंदर ये सिद्धांत लागू नहीं करवा देते, तब तक इस देश के अंदर लोकतंत्र का सही अर्थ नहीं निकल पाएगा। इट्स अ डिबेट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट एंड द डिवोटीज। And if I sum up the debate using somewhat, taking some liberty with words, the constitutionalists believe that first there is the Supreme Court and thereafter there is a God. The devotees believe otherwise. And this is a global debate which goes on. And therefore, how to reconcile the two, I quite realize that there will always be gray areas left and a reconciliation will always be a challenge. The gray areas will normally belong to the courts to interpret. That's how a society governed by a rule of law will function. But the only harmonious existence without one right extinguishing the other can be emerged on these principles. Should even 1 rupee of the state be spent on me or should it be spent on the poor and the vulnerable? The answer is very clear, it should be spent on the poor and vulnerable. We have shifted the focus and the focus is that subsidies must now be targeted. Nobody should be able to get it twice over or four times over. You should be able to identify the people who get it and those people in a targeted manner must get the benefit. And those who are undeserving must be phased out. The government and the state will save resources. And these resources must further be spent for the welfare of those people itself who deserve it. That's the principal object. बहुत कम आयु से 17 साल की आयु से अब तक बीजेपी के साथ, पहले विद्यार्थी परिषद जनसंघ बीजेपी के साथ, और पिछले 45-46 वर्ष की एक एक घटना एक एक दिन के साथ जो ग्रो करने का बढ़ने का अवसर मिला, उसको समझने का अवसर मिला, तो उसका एक लाभ भी था कि आज तक कोई ऐसा शब्द या
वाक्य नहीं निकला जिससे पार्टी को कभी तकलीफ हो पाए। A very large spectrum of political leadership of India, from Jayaprakash Narayan to Morarji Desai to Vajpayee ji, Advani ji, we worked with all of them, and I think there is something in a large number of them that you get to learn from. सपना था एक ऐसे संसार का जो भय और भूख से रहित होगा, गीत था एक ऐसे महाकाव्य का जिसमें गीता की गूंज और गुलाब की गंध थी, लौ थी, एक ऐसे दीपक की जो रात भर जलता रहा, हर अंधेरे से लड़ता रहा और हमें रास्ता दिखाकर एक प्रभात में निर्वाण को प्राप्त हो गया।